विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कोटद्वार विधानसभा के अंतर्गत सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ ने ग्रस्तानगंज में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रस्तानगंज से स्नेह तक 4 करोड़ के लगभग की धनराशि से बन रही सिंचाई नहर का निरीक्षण कर मानक पूर्ण न होने पर काम रुकवाने के आदेश दिए और साथ ही रोड किनारे मलबा रखे जाने पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त कर अधिकारियों को साफ करवाने के निर्देश दिए। और हमने मालन पुल आप लोग जानते हैं उसका बनना शुरू हो गया है, उसमें किस तरह का कार्य हो रहा है उसे देखने के लिए मैं पहुंची थी। कल वहां पर अफसरान लोग भी थे और उन्होंने जो देखा कि धीरे धीरे काम अब पटरी पर आ गया है और मुझे विश्वास है कि पुख्ता अच्छा कार्य हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा। दिसंबर तक हम आशा कर रहे हैं कि ये पुल का निर्माण हो जाएगा, लेकिन जो मैंने कल देखा वहाँ मैं उससे संतुष्ट हूँ कि काम हो रहा है। थोड़ा सा स्पीडिंग अप करने के लिए मैंने कहा है, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी है टेक्निकली बहुत ही सेंसिटिवली उसको देखा जा रहा है और अच्छे से बनाया जा रहा है, तो थोड़ा समय लग सकता है। बाकी जितनी हमारी सुरक्षा दीवार बन रही है उनमें भी जाकर मैंने जांच की और सारे जो अफसरान हैं उनको ये आदेश भी किया गया कि काम अच्छा होना चाहिए, काम पर रेगुलर वॉच रखी जाए, रिव्यू होता जाए, कंटिन्यूसली रिव्यू हो। उसके बाद जो हमारी रूल है सनेह में जो रूल है जो ऊपर ग्रास्टनगंज से जो बनी आ रही है उसमें बहुत सारी आपत्तियाँ लोग उठा रहे थे, तो उसका पूरा मैंने जाँच की है और अभी काम बंद करवाया है।